बहुत ज़्यादा दर्द निकली है कमर को, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द निकली है, क्या करें, बहुत ज़्यादा। त्रिपाल के ऊपर ही, गाड़ी के ऊपर देखो त्रिपाल डाल रहे थे, पूरा लेटे हुए हैं, त्रिपाल के ऊपर ही सीधा नहीं हुआ जा रहा। बहुत बुरी हालत हुई रात को, रात को कमर में दर्द निकल गया था, त्रिपाल डालते डालते ही मतलब कि पूरा कमर अभी पूरा दुख रही है कमर। वो बोलते हैं तो जैसे बल बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, वो पड़ गया था, नाड़ पे नाड़ चढ़ गई मेरे हिसाब से। रात को तो उठा नहीं जा रहा था त्रिपाल के ऊपर से, त्रिपाल के ऊपर ही गाड़ी के त्रिपाल डाल रहे थे, वहाँ पे लेटे तो जिला नहीं जा रहा था, क्योंकि बुरी हालत थी। तो गाड़ी वाला था यहाँ पे, उसने आया बेचारा, ऊपर चला, उसने पूरा शरीर में तेल वगैरह लगाया पीछे सीट पे, तो मालिश वगैरह की, तो फिर दबाया तो गया, तो फिर जाकर नीचे उतरा गया मेरे से। अभी भी वैसे वही हिसाब है, अभी देखते हैं डॉक्टर की दुकान मिलती है मुजफ्फरपुर में, तो वहाँ से लेते हैं दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाती है कमर दर्द लेने से। तो भाई जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह 4865। और आई होप सभी अच्छे होंगे मेरे भाई। तो अभी कानपुर में तो खाना खाएंगे, अभी भूख लगी है, टाइम हो गया 12:30 बजे का टाइम है, 12:30-1 बज रहे हैं, तो लखनऊ पार करना हमें, खाना खाएंगे, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पीछे रुकना था लेकिन हमने सोचा चलो ये जाम लगता है कानपुर, तो पुल है वहाँ पे जाम लगता है, तो वो पार करने को फिर खाना खाते हैं। वो तो पुल पार किया कानपुर वाला, जो मेन लंबा पुल आता है, वो पार करके तो यहाँ पे होटल पे लगाई गाड़ी अपनी, ये सामने लगी अपनी मोटर, जा रहे हैं अभी, आ रहा है अभी, आ गया हमारे उस्ताद जी, आ जाओ उस्ताद जी, जल्दी आ जाओ। चुके हैं कानपुर और ये आरटीसी बस लगी हुई है, देखो इसमें आग लगी है चक्कर में, कितनी ज़्यादा हम पीछे से हरने इसको लाइटें दे रहे थे, तो रुक नहीं रहा था जी, पूरा खींची हुई थी गाड़ी इसने, अब पूरा देखो धुआं धुआं हो गया पीछे गाड़ी के, ना धुआं धुआं हो गया, हम तो पूरी लाइटें भी दे रहे थे उसको, भाई यहाँ गाड़ी के टायर को आग लगी हुई है, लेकिन रुक ही नहीं रहा था जी। ये आरटीसी ड्राइवरों की खासियत है, लखनऊ वालों की ज़्यादा खासियत। यह है लखनऊ का मेट्रो ब्रिज, सामने ट्रांसपोर्ट नगर भी है, अभी हमने यहाँ से राइट लेना है, राइट लेंगे, सामने ये मेट्रो ब्रिज है, ऊपर हमें जाना राइट, राइट हम जा रहे हैं अभी राइट को, तो आ गई है साथ में ट्रांसपोर्ट नगर है सारा ही, शहर में सारा ट्रांसपोर्ट लग रहा है, ये कितना भी है। ये लेफ्ट साइड में जो सर्विस लाइन गई है ना, ये ट्रांसपोर्ट नगर जाती है, ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ, बोर्ड लगा हुआ ऊपर, देख सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट नगर और आरटीओ, यहाँ पे बैठना है अंदर में, ये पूरा अंदर फैक्ट्री है इसके अंदर, इस साइड में ट्रांसपोर्ट नगर है, पूरा फैक्ट्री है अंदर। तो टाइम हो चुका है 5:00 अभी, 4:45 अभी बाहर हुआ लखनऊ, समझा पूरे 1.5-2 घंटे, 2 घंटे से भी ज़्यादा, चार दो तीन तीन घंटे हमारे टूट गए वहाँ पे जाम में। चलो फाइनली निकल आए हम बाहर जाम से, चल रहे हैं अभी। हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर, और गोरखपुर गुरुद्वारे में खड़े हैं हम, यहाँ पे नहाए हैं वगैरह, कपड़े कुपड़े धोए हैं, तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, माथा मुथा टेकेंगे। देखो भाई त्रिपाल हमने आगे से भी पीछे से भी उठा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, त्रिपाल ज़रूर उठाएं, नहीं तो माल जल जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है माल, इसलिए हमने दोनों साइड से उठाया हुआ त्रिपाल, देख सकते हो आप, पीछे गुरुद्वारा साहब हमारे। तो भाई जी हम पहुंचने वाले हैं पिपला कोठी, पिपला कोठी पहुंचेंगे तो वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, इलेक्ट्रिशियन वगैरह देखेंगे भाई, तो लाइटिंग वगैरह का काम करवाना है, काम करवा के तो चलेंगे कंटिन्यू अररिया तक चलेंगे, पूर्णिया से हमको चढ़ाने हैं टायर गाड़ी को, वो तो सुबह ही
चढ़ेंगे क्योंकि दो टायर हमने दिए थे रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, अपने चेंज करवाने के लिए, तो वो हो गए थे हमारे जो फट गए थे दो, ले लड़के नए टायर देखे गए तो वो चेंज हो गए थे। इसमें हमारा 20,000 रोड डलेगा, उनसे एक जोड़ी उनसे 31,000 के वो चले गए थे क्लेम में चले गए। बाकी देखो 20,000 पास में देना पड़ेगा, 19,000 तो मुझे अपना दो जोड़ी करवानी है हमने, तो एक जोड़ी घर पे पड़ी हुई है वो चल जाएगी ले लेने के, तो अभी ठीक है ले लेने के चल जाएंगे, दो जगह निकाल जाएंगे तो किसी के टाटा के हैं आगे आगे वाले ठीक है इसके 8,000 हो जाएंगे इसके नए, तो फिर आ जाएगी इसकी इंश्योरेंस 12 तारीख को है, अगले महीने की 12 तारीख को इंश्योरेंस आएगी, नेक चक्कर लगाएंगे तो देखेंगे इंश्योरेंस वगैरह निकालेंगे, फिर देखेंगे प्रूफ दीजिए की तरफ, फिर बढ़ेंगे अपने इलाके की तरफ, फिर लेके जाएंगे गाड़ियाँ अपनी उसी साइड में, अपना कश्मीर वाली साइड में जम्मू कश्मीर फिर जाएंगी पूरा गाड़ियों को, अभी 8 महीने हो गया जम्मू से आ रहे 7 महीने वहाँ उस साइड में गाड़ियाँ गई, मतलब कि जब से दी हुई हैं गाड़ियाँ, सिर्फ 2-3 फेरे लगाए थे बस जो गाड़ियों में छुट्टी हुई, या तो नारियल का फेरा लगाया था लोग सब गई गाड़ी, उसके बाद गाड़ी गई ये 7 महीने हो गए गाड़ी, अभी हम चल रहे हैं कंटिन्यू, ये देखो आ रहे हैं, बढ़िया सफ़र निकला हमारा ऐसी बात नहीं, और बढ़िया यात्री गाड़ी खाली हो गई थी हमारी, तो लोड भी ज़्यादा हो गई थी, दूसरी गाड़ी भी हमारी बाथर बैंदर भी वो भी लोड करके वहाँ से निकली थी, 15 टन माल था अपना नासिक का बड़ौदा से, तो 25,000 रुपया भाड़ा लगा था उसका, वो बढ़ा से भेजी थी वहाँ से, कल वो भी लोड हो जाएगी, आज आए कल खाली होगी, कल ही लोड हो जाएगी वो, शाम को लोडिंग होती है, शाम को लोड हो जाएगी तो कल वो भी निकल जाएगी वहाँ से, लेकिन फ़र्क पड़ जाएगा हमारा, हम पहुँच जाएँगे कहाँ गुवाहाटी पहुँच जाएँगे तो वो वहाँ से मिल जाएगी, 5-6 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा हमारा। अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं अररिया जाके दिखेंगे, वहाँ पर रुकेंगे अपना वो पंजाबी होटल है जो यहाँ पर आते समय रुके थे वहीं पर रुकेंगे, एच पी कंप के बाद में भी टायर चुराने टायर, तो फिर वहाँ से सुबह ही मिलेंगे, सुबह निकलेंगे बड़ी आराम से वहाँ से 8 बजे के बाद चलेंगे वहाँ से, अपना नींद भी पूरी हो जाएगी, खैर भी चल जाएंगे गाड़ी को, अभी इलेक्ट्रिशियन देखते हैं कोई मिलता लगा हुआ गाड़ी में सारे फुल हैं, अपना देखो गर्मी फूल तो नहीं है, बाकी यहाँ पर गर्मी बहुत है यहाँ पे आगे सारे ले रहा भाई हमारा पीछे देखो सोया हुआ है, हम सोए हुए थे पहले अभी उसको नींद आई थी मैंने बोला सोए कर बोला तो हम चला रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन मज़ा ही कुछ हो रहा है इसी के अंदर सारे कुछ हो रहे हैं, ये देखो कंबल लेके नज़ारे से सो रहा है अपना गर्मी में, एसी जरूर लगवाए मेरे भाई गाड़ी में, हालत है हमारे इंडिया के ट्रैफिक जाम की, ये देखो एम्बुलेंस आधा घंटा हो गया यहाँ पे फंसी हुई, यहाँ पे किसी को पता नहीं किसी को परवाह नहीं है किसी की जान की, ये देखो पूरा 1 घंटा हो गया यहाँ पे फंसी हुई जाम में, कहाँ जाएगा जो अंदर में मरीज होगा वो कहाँ पे जाएगा, और अपने घर में सोए हुए आराम से ट्रैफिक वाले पुलिस वाले सभी आराम से अपने घर में सोए होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो किसी की परवाह नहीं है इनको, बहुत मुश्किल है, ये लखनऊ से पीछे है समझो 20-25 किलोमीटर लखनऊ से 30 किलोमीटर पीछे, अभी देखो वापस तो जाएगी नहीं, यहाँ से निकलवाओ भाई इस साइड से, इधर इधर मेरे इधर आ जाओ थोड़ा पीछे थोड़ा सा पीछे करो पीछे आने दो पीछे आने दो, अभी ये ड्राइवर भाई मिल गए सभी तो फिर निकलवाएंगे थोड़ा उसका पीछे कर दे, आने पीछे आने दो आने दो पीछे आने दो पीछे आने दो आने दो बहुत जगह पीछे आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो जोर ना जान दी फिर जोर ना जान दी, ये देखो कहाँ से गाड़ी निकलवाई, अभी बीच में पेशेंट है इसके, और जाम देखो अब कितना लंबा लगा हुआ है, बहुत बुरी हालत है हमारे देश की, ये इंडिया है हमारा डिजिटल इंडिया है हमारा, हो गई है रॉन्ग साइड गई, अभी देखो दिखाते हैं आपको यहाँ पे किन लोग की कर देते हैं, देखना कैसे गाड़ी के आगे आते हैं दिखाएंगे आपको, पानी देखो कितना आया हुआ है, पानी से भरा हुआ पूरा, कितने शीशा साफ नहीं किया हुआ है,
ना पानी से भरा हुआ, देखो कहाँ तक पानी गया हुआ है। मैंने बताया था ना आपको, जब पानी आता है बहुत दूर तक जाता है पानी, पूरा वो भरे हुए हैं, भरे उस साइड में खेत भरे हुए हैं पूरा, इस साइड में देखो सारा भर गया है बरसात के पानी से। दो दिन बारिश हो जाए यहाँ पे तो पूरा बिहार ही बह जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पर, पानी आता है यहाँ पर, पूरा पानी ही पानी हो गया यहाँ पर। देखो भाई किन्नर आ गए, कैसे गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो पुल के ऊपर जाम लगाया होता है इन्होंने, पुल के ऊपर देखो क्या करे बंदा, उनका बताओ पहले मेरे को। ये देखो कैसे गाड़ी के आगे आ रहे हैं, ये देखो भाई, वो देखो गाड़ी के आगे आ गया, देखो देखो ये देखो, मैं दिखाऊंगा पूरा, ये देखो ये देखना कैसे गाड़ी के आगे आ जाएगा, ये साइड पे होना, साइड पे क्या, साइड पे होना क्या है। देखा कैसे गाड़ी के आगे आए थे, बिल्कुल आगे खड़ी रहती है ये, इनको रोकता भी नहीं कोई, पुलिस वाला नहीं रोकता कोई, कोई नहीं रोकता इनको, कैसे आगे खड़े हुए थे आगे, इनका यही काम है, चाहे गाड़ी वाला ब्रेक लगे, गाड़ी वाली ना लगे, कहीं नीचे आ जाए कोई ना, ऊपर से कोई इनको बोलेगा दारू पी होती है इन्होंने इतनी ज़्यादा तो आ जाते हैं हल्ला करने के लिए, हल्ला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखो कैसे अभी है, ये देखो आगे देखो, वो देखो देखो ट्रक के आगे देखो, इनको कोई कुछ नहीं बोलता, ये देखो कैसे आ जाते हैं पूरा ट्रक के आगे, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं बिल्कुल, कोई इनको कुछ नहीं बोलता, पूरा इनका झुंड है यहाँ पे। ये पिपला कोठी पुल है जो समझो नदी वाला, यहाँ पे पूरा झुंडा है, कोई नहीं रोकता इनको यहाँ पे, कोई नहीं टोकता इनको, देखो कैसे बिल्कुल गाड़ी के आगे आ जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं इनको। टायर चलवाने आगे पूर्णिया में, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे कौन से टायर चलवाए हैं, कौन से चलाने चाहिए आप इस ब्लॉग में बताना मेरे को कमेंट करके नीचे, कौन से बढ़िया चलते हैं टायर बताना मेरे को।